गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नानो ट्यूटोरियल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें रेलवे ने आरपीएफ के लिए मेल और फीमेल कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो तब तक मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये इसका प्रूफ दिखाता हूँ और टोटल डिटेल इसके बारे में बताऊँगा, ताकि आप लोगों को जो भी न्यूज़ मिले वो 100% ऑथेंटिक न्यूज़ मिले, कोई भी फर्जी न्यूज़ आप तक ना पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये इससे जो आरपीएफ से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, आज ही रिलीज हुआ है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये पीयूष गोयल जी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप लोग देख लीजिए। पीयूष गोयल जी जो अभी वर्तमान के रेलवे मिनिस्टर हैं, उनका ये ट्विटर अकाउंट है। उन्होंने अभी अभी एक ट्वीट किया है, ट्वीट करके इसके बारे में रिलीज नोटिफिकेशन दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। तो अच्छा, हाँ फ्रेंड्स, ये रहा, देखिए ये 6 घंटे पहले अभी अभी अपडेट किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा। रेलवे ने 90,000, रेलवे में जो अभी 90,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। साथ ही युवाओं के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी 9,500 भर्तियाँ शुरू होगी और इसमें 50% महिलाएँ होंगी। तो इसके बारे में चलिए मैं आप लोगों को अभी और ओपन करके दिखाता हूँ, और इसके जो भी डिस्कशंस हुए हैं उसको भी मैं दिखाता हूँ कि एक वैकेंसी कब तक आएगी और क्या इसके बारे में अपडेट है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अभी 4:50 पे शाम में इन्होंने अपडेट किया था। एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा बैक हो गया मेरे से, मैं अभी आप लोगों को फिर से ले चलता हूँ वहाँ पे। सॉरी, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा ही बैक हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। हाँ फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे से बैक हो गया था, सो एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग प्लीज़ देख रुके। हाँ ये रहा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे 9,500 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करेगा रेलवे, और इसमें से 50% जो होगा फीमेल के लिए होगा। तो ये जो ट्वीट किया गया था आपको 18 मार्च को 4:50 पर, इसमें जो भी है, और इसमें एक रेलवे कोच फैक्ट्री, विश्व की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बनाने का भी इन्होंने ये किया है कि जो रायबरेली में विश्व की सबसे बड़ी कोच फैक्ट्री बनाई जाएगी। तो इससे रिलेटेड भी अपडेट इस वैकेंसी आएगा। तो जैसे ही कुछ आता है इसमें जो भी अपडेट है, तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स जब बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक ने किया है, सबसे जरूरी है पूरा करने के लिए 2019 में आरपीएफ की भर्ती को 9,500 से बढ़ाकर 2,000 किया जाए, ताकि 9,500% महिला हो और पुरुषों के लिए इतना के लिए एक जिले काफ़ी होता है, इसे बढ़ाकर 20 तक कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे लोगों ने अपना अपना व्यू भी दिया है। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडिडेट ने बोला है कि 9,500 नहीं, जब कम से कम 20,000 वैकेंसी आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इनमें आगे पीछे हो सकता है। तो आप लोग जैसे ही इसमें कोई भी अपडेटेड न्यूज आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा फ्रेंड्स। तब तक आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इस तरह के अपडेट पाने के लिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।